الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Students, today we are going to start our 12th lecture. Open your English grammar book, page number 5. Let's make sentences using is, are and am. Humne sentences banane hain, kiska use karna hai, is ka, are ka aur am ka. Sabse pehle hum inke meanings dekhenge, is ka matlab kya hai, hai. इस किसका इसका मतलब क्या है है इस हम एक के लिए यूज़ करते हैं एक शख्स के लिए किसी चीज़ के लिए ठीक है आर हम दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं ठीक है इसका मतलब है हैं एम जो है हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है हूँ ही इज़ अ टॉल बॉय वो एक लंबा लड़का है इज़ है टॉल लंबा बॉय लड़का शी इज़ अ फैट गर्ल वो एक मोटी लड़की है फैट मोटी शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल वी का मतलब है हम जो है हम स्कूल जा रहे हैं ये वाला है ठीक है आर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा के लिए हम के साथ हम हैं का यूज़ करते हैं ठीक है I am 7 years old. Am हूँ मैं 7 साल का हूँ ठीक है This is a pen. Pen कहते हैं कलम को ये एक कलम है I am a student. मैं एक तालिब इल्म हूँ They are playing football. They का मतलब है वो are हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और उसको आपने समझ के पढ़ना है आपने इसके इसका आर का और एम का आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि बॉय के लिए हम लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अगर हम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम की बात कर रहे हैं तो हम वही लिखेंगे अगर हम वो की बात कर रहे हैं और ज़्यादा लोग हैं हम दे की बात करेंगे ठीक है नेक्स्ट पेज करें पेज नंबर 6 Look at the pictures and make sentences. हमने इन pictures को देखना है और इनके हमने sentences बनाना है A cat is running. बिल्ली जो है भाग रही है इसलिए हम इसका बनाएंगे A cat is running. यहाँ पर इस girl को देखें ये हमें happy नज़र आ रही है तो हम इसका sentence बनाएंगे The girl is looking happy. लड़की खुश नज़र आ रही है अब यहाँ पर एक boy है और swimming कर रहा है A boy is swimming. यहाँ पे एक लेडी है और कुकिंग कर रही है अ लेडी इज़ कुकिंग फूड एक औरत खाना बना रही है यहाँ पे एक मैन है और वो कार ड्राइव कर रहा है अ मैन इज़ ड्राइविंग अ कार यहाँ पे डॉग सो रहा है द डॉग इज़ स्लीपिंग स्टूडेंट्स ये आपने सेंटेंसेस लिखने हैं और इन सेंटेंसेस को आपने याद भी करना है